प्रोग्राम है ही, ठीक है, सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद नाल करते हैं आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, कोई पत्र टाइप करना है, ठीक है, ते कोई भी रूपरेखा चेंज करनी डॉक्यूमेंट दी, तुसी शब्द कोश दी वरतों करके तुसी स्पेलिंग चेक कर ठीक कर सकते हो। तां इस दे लई जिहड़ा सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दे लई आपां एमएस वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एडिटर ने यूज करता है। तां इस दे जिहड़ा पहला सेशन है टेम्पलेट बनाना, कहते फोंट स्टाइल तस्वीर क्लिप आर्ट फोंट वर्क आदि वर्तमान डॉक्यूमेंट की देखो कर सकते हैं आकर्षक बना सकते हैं जिद बारे आप पहला पढ़ भी चुके हैं। तो जो पहला बने हुए डॉक्यूमेंट्स के टैंपलेट ने उन्होंने मदद न कि उन्होंने डाउनलोड कर सकते हो जो जो टैंपलेट आप बनाया उस माई टैंपलेट के जाकर यूज कर सकते वर्त सकते ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਜ ਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਫੌਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਡਿੰਗ ਬੋਡੀ ਟੈਕਸਟ डॉक्यूमेंट है ठीक है इधर नेम में आप चेंज कर सकते हैं इधर फॉन्ट है ठीक है 16 इधर फॉन्ट साइज का देना है ठीक है तो देखो जी चेंज कर दें आप इधर स्टाइल चेंज कर लें ठीक है हेडिंग वगैरह चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं ये सारे ग्रीन स्टाइल मेरा फॉन्ट कलर ग्रीन रेड केड़ा जी यूज कर रहे यूज इंसर्ट पेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੋਟਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ ਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੰਨ ਲਓ पेज लेआउट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵ ਐਜ ਹੁਣ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰ ਫਾਰਮੈਟ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਬਸ ਚੁਣਾਂਗੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਣਾ ਜੀ ਐਜ ਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਰਡ ਦਾ टाइप की है यदि वर्ड टेम्पलेट अदरवाइज की करते हैं अपन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जिसकी एक्सटेंशन है डी ओ सी एक्स डॉट ठीक है डॉक्स होनी है टेम्पलेट नु सेव करांगे ठीक है उस तो उसको की करांगे अपन जो अपन यूज करना है माई टेम्पलेट के विच अपन चुनांगे उस तो बाद उस तक ये क्लिक करके अपन जेड़ा भी एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो ठीक है फूटर लगाना चाहते फूटर लगा सकते मान लो मैं ऐड करना फूटर इनसर्ट हेडर ठीक है इतने हेडर दे सकते जी एस रामगढ़ ठीक है जिहड़ा कि असल काम तो कि अलग होंदा गा उपर होंदा गा उहनूं बोलदे आपां हैडर जिहड़ा पेज दे हेठां जानकारी दिंदा उह की बोलदे आपां फुटर
ठीक है। इस तरह आप दूजे टैंपलेट भी बना सकते हैं, मान लो होर टैंपलेट बना देने, उस उस तरह सेव कर सकते, ठीक है। अगर बना लिया टैंपलेट सेव एज अदर फॉर्मेट्स, टैंपलेट टैंपलेट चुनो सेव, उस आप खोल दें ना न्यू का लिखा हुआ है माई टैंपलेट्स, माई टैंपलेट दे देखो तो नजर आया कोई ब्लैंक टाइम, ठीक है। ये तो डॉक्यूमेंट्स विच भी अवेलेबल होगा, तो हम इतनो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नेम ना का टाइप, ठीक है। तो नेम ना का क्या थे टेम्पलेट का लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड टेम्पलेट, तो डिलीट करता परमानेंटली शिफ्ट प्लस डिलीट करके। तो इस तरह की है भाई एक टेम्पलेट नो बना सकते हैं अपनी मर्जी अनुसार, इन्हें जिथे जी बार बार यूज करना है यूज बस सर, इनवेल्प होंगे ने, इनवेल्प आम दे रहे हैं नॉर्मल बोलते हैं लिफाफा देना, इनवेल्प दे दी